नमोस्तु 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 प्रणवलोये श्रौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं प्रणवलोये श्रौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं प्रणवलोये श्रौत्रिकाळवर्ती आयिर्याणं प्रणवलोये श्रौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं प्रणवलोये श्रौत्रिकाळवर्ती शवशाहुणं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय शाराय श्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो मे शाश्वतो अपाग्नान दर्शन लखनो शेषा मे बाहिरा भावा शवे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मई करे कयन्यते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। जे जाण तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परियपणे ते जीव जाने आत्मने तशु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जेम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक अरे जाने ज कर्मो उदय निर्जरा बंद तेमज मोक्ष ने। ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राभूत स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यान भव ते हने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषे। ओम श्री नम सिद्धेभ्य नम सिद्धेभ्य। कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परम मंगलमय समयसार जी परमागम शास्त्र है। ये समयसार जी शास्त्र 2000 साल पहले लिखा गया है और उसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने 1000 साल के बाद में की थी और उसके ऊपर 1000 साल के बाद में अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर 19 बार प्रवचन करके इतना स्पष्टीकरण किया कि ये स्पष्टीकरण ऐसा स्पष्टीकरण कहीं अपने को देखने को नहीं मिलता है। ऐसा ये हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ये वर्णन 45 साल तक अविरत प्रवाह से किया। कोई इतना टाइम भी मिल गया उसको, आयुष्य भी उनका लंबा चला, तो इसलिए उसका निमित्त पने से भवी जीवों की योग्यता पकने का ये काल शुरू हो गया। ऐसी कोई ये तीर्थंकर वत देशना पूज्य गुरुदेव श्री की 45 साल तक खिर गई और ये ऐसी देशना खिरी कि सबके पास सयोपसम तो इतना पकड़ने का पंचम काल में भी सयोपसम तो होता है सबको और पूज्य गुरुदेव श्री मिलने से विशुद्धि भी प्रकट होने लगी और उसकी देशना निमित्त हो गई तो प्रायोग्य लब्धि होके करण लब्धि का परिणाम आके अनुभूति सहज में प्राप्त हो जाए। ऐसी पांचों लब्धियाँ सयोपसम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण उसमें आगे बढ़ने का काल जीवों का आ गया। ये ऐसा स्वरूप बताया पूज्य गुरुदेव श्री ने कि उनको सुनने वाला कोई जीव ऐसा नहीं होगा कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगती हो, उनको ये बात में कोई शंका तो क्या आशंका भी खड़ी हो जाती हो, ऐसा कोई जीव नहीं होता है गुरुदेव को सुनने वाला।
क्योंकि इतनी स्पष्टता आती है, इतनी स्पष्टता आती है, इतना स्पष्टीकरण आता है कि प्रवचन चलते चलते कोई आशंका खड़ी हो जाए तो उसका समाधान 5 मिनट बाद आ जाता है गुरुदेव का। ये गुरुदेव की कोई कमाल की चीज है, गुरुदेव का कोई चमत्कार है। सचमुच देखो तो चमत्कार माने कोई चमत्कार, ये बाह्य चमत्कार वाली बात नहीं है। ज्ञान में से भाव ही ऐसा उनका आता है कि सारे जीवों को, समस्त जीव राशि को ये समझ में आए आए और आई जाए, ऐसी कोई ये दिव्य ध्वनिवत देशना पूज्य गुरुदेव श्री की खीर गई। और इसमें कहीं लोग बहुत आगे बढ़ गए, कहीं लोग आगे बढ़ते बढ़ते समकीति भी हो गए, और कई लोग अभी समकीति होने की तैयारी में आ गए, क्योंकि ये शुद्धात्मा का उपदेश ऐसा आया, शुद्ध तत्व का उपदेश ऐसा आया, परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला जो नायक भाव निरपेक्ष तत्व है उसकी चर्चा इतनी आई पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में, कथन में, उसकी वाणी में, कि जो अंदर में उनको भाव भरा था, शक्तियाँ और शक्तिवान की अभेदता की स्थिति उनकी जो चल रही थी, उनका परिणमन जो उनको चल रहा था, वो उसने वाणी में व्यक्त कर दिया। ऐसा वाणी में व्यक्त होना बहुत, माने कि पुरुषार्थी अंदर वाला जीव होता है वही वाणी में ये व्यक्त कर सकता है। और ये अपने पूज्य धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी थे, उनने ये सब स्पष्टीकरण किया। शक्तियों का प्रकरण में ये अनेकांत की चर्चाओं में से सम्यक एकांत भी निकाला और सम्यक अनेकांत को भी स्पष्ट किया, और उसमें रागादि भावों का व्यवहार का अभाव है, ऐसा अनेकांत की पर्याय प्रकट कैसे हो जाए सम्यक एकांत स्वरूप भगवान आत्मा को दृष्टि में लेके, और वो अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा की दृष्टि और शक्तियों का ज्ञान और शक्तिवान का ज्ञान करके उसके ऊपर दृष्टि सभ्य स्वभाव पर चली जाए, तो कैसे ये अनंत शक्तियों का शुद्ध परिणमन प्रकट हो जाए, उसकी मूल चर्चा ये शक्तियों के प्रकरण में पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दी। देखो आज भी बहुत चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध की ली, अपन प्रवचन में से तो कम लेंगे चर्चा, क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है, अपन शक्तियाँ ही लेंगे, मगर जो प्रवचन में आया है वो भी घुटने लायक तो होता ही है पूज्य गुरुदेव श्री का प्रकरण। तो ये जो आज का भी जो जितना 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 विषय आया उसमें क्रमबद्ध की चर्चा बहुत आई आज, कल भी चली थी क्रमबद्ध की चर्चा, आज भी क्रमबद्ध की चर्चा चलाई पूज्य गुरुदेव श्री ने। और आज उसने स्पष्ट कहा कि ये क्रमबद्ध का निर्णय पुरुषार्थ पूर्वक अपने आत्म स्वभाव की ओर ढले जब परिणमन, तब ये क्रमबद्ध की यथार्थता उसको मालूम पड़ती है। जब तक पुरुषार्थ पूर्वक अपने स्वभाव की तरफ ढलता नहीं है जीव, तब तक क्रमबद्ध बोलना होता है, क्रमबद्धता बैठती नहीं है, क्योंकि पर्याय के सामने देख के कभी क्रमबद्धता सिद्ध नहीं होती। पर्याय को न देख के और द्रव्य को देख के, वो द्रव्य को देखने का पुरुषार्थ करके ही सचमुच में क्रमबद्धता की सिद्धि होती है। ये प्रकरण आज पूज्य गुरुदेव श्री ने, अपन ने भी कल लिया था, आज पूज्य गुरुदेव श्री ने विभुत्व शक्ति की बात बताते बताते भी आज उसने वो चर्चा उठाई, शक्ति और शक्तिवान का भेद छोड़ देना, और शक्तिवान है ऐसा भी मत सोचना, मैं तो नायक भाव हूँ, एक अखंड हूँ, ऐसी दृष्टि तेरी जब बनेगी तब तुझे सम्यकता की परिणमन की प्राप्ति होगी। शक्तियों और शक्तिवान का ज्ञान जरूर करना, उसमें से उसकी बात बाकी मत करना, अगर शक्तियों का ज्ञान नहीं करेगा तो शक्तिवान की महिमा तुझे नहीं आएगी। शक्तियों का ज्ञान करना माने कि तेरे में क्या पड़ा है, तेरे में क्या भरा है, तेरे कितना सामर्थ्य है, तेरी कितनी संपत्ति है, तेरी कितनी संपदा है, तेरी कितनी अमर्यादितता है, तेरा स्वभाव कितना, माने कि ऐसा विशालता से पड़ा हुआ है, वैभववान स्वभाव पड़ा है, ऐसा वैभववान स्वभाव की जो वैभवता है, जो अनंत गुणात्मक एक स्वभाव की अनंतता अंदर में शक्तियों में पड़ी है, उस शक्तियों का महिमा तुझे नहीं आएगा तो शक्तिवान तरफ तेरी दृष्टि नहीं जाएगी। भेद कराने के लिए नहीं कहते हैं, भेद छोड़ाने के लिए शक्ति की महिमा करके शक्तिवान की तरफ ले जाते हैं। ऐसी चर्चा ये पूज्य गुरुदेव श्री ने इतनी अच्छी तरह से की, देखो ये मैं ये
एक आधार भी अभी बताऊंगा चिद्विलास का, पूज्य गुरुदेव श्री ने ही कहा है, इसमें हिंदी में 301 नंबर के पेज पे आएगा, वो अपन लेंगे। ये जो पूरा आज क्रमबद्ध की पर्याय चली, क्रमबद्ध की पर्याय का पूरा प्रकरण चला, पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध के लिए 102 गाथा प्रवचन सार का जन्म क्षण का आधार दिया, उसके बाद में उसने 85 इकाई की 172 गाथा का चारों अनुयोगों का सार वितरकता है वो कहा, ऐसे 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 कहीं प्रकरण बता के पूज्य गुरुदेव श्री को एक विषय मिलता है ना, तो इतने 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 विषय उसके ख्याल में आ जाते हैं और इतनी इतनी स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री कर देते हैं। अनियत नियत वाला प्रकरण जो 155 गाथा का जो 85 इकाई का आया, बहुत समझने लायक प्रकरण है वो, थोड़ा अभ्यास कर लेना इसका, बहुत मार्मिक प्रकरण है वो। तो ये सब इतनी इतनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रकरण में आई, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की भी चर्चा आई, अपनी भी बात कही, टोडरमल जी साहब की साहब का कहा अपन ने कर लिया था कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, काल लब्धि और भवितव्यता कोई सचमुच में चीज नहीं है, माने कि वो गर्भित रूप से आ जाती है पुरुषार्थ में, ये भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आज स्पष्ट किया था। माने कि ऐसे ऐसे इतने विषय पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, एक प्रवचनों में आप एक प्रवचन में आ जाते हैं कि अपन एक एक लाइन पढ़ के उसका अगर प्रतिपादन करें ने तो एक प्रवचन में कम से कम 20-25 स्वाध्याय अपना हो जाए, इतना ये पूज्य गुरुदेव श्री का रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी तरह से खोला। और आज एक बात बहुत अच्छी पूज्य गुरुदेव श्री ने की, ये बहुत समझने लायक बात है, देखना आप थोड़ा। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बताया कि संसार का मूल मिथ्यात्व है, ये सबको मालूम भी है कि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जाने के बाद में राग द्वेष रह जाता है, वो तो माने कि पेड़ों के सूखे हुए पत्ते की तरह है, मगर जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता, जब तक मान्यता फिरती नहीं, तब तक ये कुछ काम का नहीं है। देवशास्त्र गुरु को माने कि देवशास्त्र गुरु को मानना वो राग है, उसमें धर्म की आशा रखना वो मिथ्यात्म है। ऐसा ऐसा प्रकरण गुरुदेव का आया तो लोग ने ऐसा बोल दिया कि देव गुरु शास्त्र को मानने की ही ना बोलते हैं यहां तो। अरे देव गुरु शास्त्र को तो पहले मानना, सच्चे देवशास्त्र गुरु को, मगर उसमें धर्म की भावना रखना कि यहां से धर्म प्रकट हो जाएगा, इसको मानते मानते धर्म प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उसको मानना वो तो राग का परिणाम है, वो तो राग है। देवगुरु शास्त्र की तरफ लक्ष्य जाना वो राग है, वो राग को मेरा मानना या तो उसमें से कुछ लेने की भावना रखना वो मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा दोष है, अनंत संसार का कारण है। जब तक ये अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व नहीं जाता, तब तक कुछ काम का नहीं है। और वो मिथ्यात्व कैसे जाता है उसका पूरा प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने शक्तियों का वर्णन में यहाँ स्पष्ट किया है। शक्तियों शक्तियाँ तेरे पास इतनी पड़ी है कि कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि मिथ्यात्व हो जाए, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि राग रूप परिणमन हो जाए, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि अज्ञान हो जाए तेरा। तेरी शक्तियाँ ऐसी है कि सम्यक परिणमन ही होवे, सम्यक चारित्र ही होवे, सम्यक दर्शन ही होवे, सम्यक ज्ञान ही प्रकट होवे, ऐसी तेरी शक्तियां पड़ी है अंदर में, ऐसा वैभव पड़ा है, और वो वैभव का तुझे महिमा ही नहीं आता, और बाहर में मिथ्यात्व को दूर करने की प्रवृत्ति चलती है, मगर वो प्रवृत्ति दूर कैसे होवे कि इनकी महिमा आएगी तो वो दूर हो जाएगा, तो प्रकट ही नहीं होगा, वो उत्पन्न ही नहीं होगा, मगर इनकी महिमा ही नहीं आती जीव को। स्वभाव की महिमा, स्वरूप की महिमा, शाश्वतता की महिमा, अखंडता की महिमा, अभेदता की महिमा, अरूपी की महिमा, ज्ञान दर्शन में चेतना वाला स्वभाव है अनादि अनंत एक रूप, उसकी महिमा, अपरिणामी तत्व की महिमा, ऐसा सकल निरावरण अखंड एक प्रत्येक प्रतिभासमय की महिमा कि जिसमें अनंत शक्तियां गुथी हुई पड़ी है, एक एक शक्तियां एक एक प्रदेश में अनंत शक्तियां गुथी हुई पड़ी है, और एक प्रदेश में एक गुण ने एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए पड़े हैं, ऐसी अनंती शक्तियां पड़ी है अंदर में। ऐसा वैभव तेरा होने पर भी तुझे उसका
महिमा नहीं आता, उसका विश्वास नहीं आता, उसकी प्रतीति नहीं होती। क्यों प्रतीति और विश्वास नहीं आता? क्योंकि महिमा नहीं आती। महिमा नहीं आती इसलिए महिमावान की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ये बहुत अच्छी प्रकरण आज पूज्य गुरुदेव श्री ने ये मिथ्यात्व की भी बात की, क्रमबद्ध पर्याय की बात की, ज्ञातृ तत्व और ज्ञान तत्व की बात आई आज, ज्ञायक तत्व और ज्ञेयी तत्व। ज्ञायक तत्व की प्रतीति वो तो सम्यक दर्शन का विषय है, मगर ज्ञायक तत्व और ज्ञातृ तत्व की यथार्थ प्रतीति, मानी कि दो की प्रतीति, ज्ञान प्रधान श्रद्धा, उसका नाम भी सम्यकत्व है। ऐसा आज प्रवचन सार की 242 गाथा चरणानुयोग चुलिका की है, उसका भी आज आधार पूज्य गुरुदेव श्री देते थे। बार बार ये आधार पूज्य गुरुदेव श्री जब ज्ञान प्रधान कथन की चर्चा आती है दृष्टि प्रधान कथन के साथ में, तब ये आधार पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बार आता है कि ज्ञेय तत्व और ज्ञातु तत्व की तथा प्रकार से, माने कि यथार्थता से श्रद्धा प्रतीति जिसको होवे तो उसका लक्षण भी सम्यक दर्शन है। अरे दो को मानना उसका नाम सम्यक दर्शन कैसे होगा? ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व दोनों को मानना उसका नाम सम्यक दर्शन? अभी आप अंदर के शक्तियों के भेद की भी मना कर रहे हैं। शक्तियों का भेद नहीं करना, शक्तिवान को देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन। और फिर आप कह रहे हैं कि ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व उसकी यथार्थ प्रतीति, दोनों की यथार्थ प्रतीति, वो जिसका लक्षण है उसका नाम सम्यक दर्शन। ये तो हम कैसे पचाए, कैसे माने? तो कि भैया स्वरूप ही अनेकांतिक है अंदर में। अनेकांत स्वरूप की जब चर्चा चले तो सब चर्चाएं आती है उसमें। ऐसा नहीं समझना कि ये तो अपने काम का नहीं है, ये ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व की श्रद्धा, वो तो दूसरे का बात है, अपने को तो एक ज्ञायक की श्रद्धा, उसका ही काम है अपने को। तो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। ज्ञेय तत्व को भी यथार्थ जो लोग नहीं मानते कि जगत में छह द्रव्य है, छह द्रव्य स्वरूप लोक है, उसकी भी पर्याय क्रमबद्ध है। आज गुरुदेव ने बोला छह द्रव्यों की पर्याय क्रमबद्ध होती है। तो छह द्रव्य ही नहीं मानते जो जीव, कि अपने को तो एक ज्ञायक है और कुछ है ही नहीं, तो कि वो स्वभाव में ऐसा ही है, कुछ नहीं है और। मगर कलश टीका में भी लिखा है कि खाली एक आत्मा को ही मानता है और छह द्रव्य का ऐसे निषेध करता है कि जैसे है ही नहीं, तो वो उसको मिथ्यात्व जाता नहीं उसका। ये मिथ्यात्व ऐसा छुपा चोर है, ऐसा छुपा चोर है कि वो कहीं से न कहीं आ जाता है। वो अपने को पता नहीं चलता मिथ्यात्व कैसी मान्यता अपने अंदर में चल रही है। कहीं न कहीं ऐसा निषेधों में, अपनी मान्यताओं में ऐसा कोई प्रकार चल जाता है कि उसके लिए वो अपनी मान्यता वाली श्रद्धा ज्ञायक पर नहीं जाती। तो यहां ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व की श्रद्धा माने उसका मतलब क्या है? यहां ज्ञेय तत्व जो है उसको भी जो नहीं मानता और कहता है कि अकेला ज्ञायक तत्व ही है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञेय तत्व की श्रद्धा माने ज्ञेय तत्व में अहम करना, ये अहम की बात नहीं है, समझना पहले। ये श्रद्धा की बात है। श्रद्धा माने कि दोनों की होती है, ज्ञेय तत्व भी है जगत में, ज्ञायक तत्व भी है, ज्ञातृ तत्व भी है, ज्ञेय तत्व भी है। अभी अहम कहां है? तो कि अहम त्रिकाली में होता है। वो श्रद्धा प्रधान दृष्टि का विषय पे दृष्टि डालना, वो श्रद्धा का कथन, और वही कथन के साथ में ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व भी जगत में है ऐसा ज्ञान होना, ऐसा ज्ञान होके उसमें भी श्रद्धा माने कि लगाना कि ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कि जो ज्ञेय तत्व को माने और ज्ञायक तत्व को भी माने, ऐसी दोनों का ज्ञान करके उसकी श्रद्धा करे कि जगत में ज्ञेय तत्व भी है और ज्ञायक तत्व भी है, तो वो ज्ञान प्रधान श्रद्धा कही जाती है, और ज्ञायक का आश्रय वो दृष्टि प्रधान श्रद्धा कही जाती है। गुरुदेव का धोरी मार्ग 45 साल तक दृष्टि प्रधान कथन में चला है, मगर जब ये कथन ऐसा कोई ज्ञान प्रधान चर्चा भी आवे तो ये बात भी पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते रहते हैं। इसको समझने के लिए
यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा, इसलिए अपने को समझना चाहिए कि जगत में छह द्रव्य भी है, अपना ज्ञायक तत्व भी है और दोनों का ज्ञान प्रत्येक समय में होता है, ऐसा विश्वास भी उसको होना चाहिए कि कोई नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बस इतना मर्यादित कथन इसमें कहना चाहते हैं। श्रद्धा तो एक की ही होती है ज्ञायक की। ये ज्ञान प्रदान श्रद्धा का अर्थ ही यह है कि दो का ज्ञान होता है, ऐसी भी श्रद्धा में पता होना चाहिए कि ये दो चीज है, उसका नाम ज्ञान प्रधान श्रद्धा कही जाती है। तो ये प्रकरण भी आज पूज्य गुरुदेव श्री ने छेड़ा था। तो ये क्या होता है कि ऐसे प्रकरण आते हैं ना, तो कभी कभी इतना अभ्यास जिनको नहीं होता है ना, इसको इसमें गड़बथल होने लगती है कि ये कैसे हम समझे। मगर ये श्रद्धा और ज्ञान का सुमेढ़ हमेशा रखना, जीवन में अपनी पर्यायों में श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल करके मध्यस्थ हमेशा रहना, कोई एकांत पक्ष में नहीं चले जाना, नहीं तो ये जिनागम में कहा हुआ सार जो अपना अनेकांतिक और स्यादवाद मार्ग है वो प्रकट नहीं होगा। है तो सम्यक एकांत स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि का विषय, मगर कोई ऐसा स्वरूप है वो भगवान आत्मा का कि उसमें गुण होने पर भी गुण का भेद नहीं है, उसका नाम भी अनेकांत है। ऐसी ऐसी चर्चा यहाँ ये शक्तियों के प्रवचन में बहुत अच्छी तरह से आ रही है। फिर सर्वदर्शित्व शक्ति का भी आज खुलासा आया था। वो सर्वदर्शित्व शक्ति तो अपने अपन ने ले लिया था कि ज्ञान में ही सर्वदर्शित्व का रूप गर्भित है और ज्ञान में ही सर्वदर्शित्व शक्ति गर्भित रूप से पड़ी हुई है। तो ऐसी ये चर्चाएँ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आज बहुत सी अच्छी तरह से आई थी। और अभी जो ये मैं आपको अभी एक आधार दिया था, ये 301 नंबर के पेज पे अभी पूज्य गुरुदेव श्री का ये प्रवचन है, उसमें ये शक्ति की जो बात अपनी चलती है उसमें जो पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है चिद विलास का, वो मैं थोड़ा आपके सामने पढ़ता हूँ, इसलिए अपने को ख्याल आएगा। 301 नंबर का पेज पे है चिदविलास में, पेज नंबर 301 है हिंदी में। देखो इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा है, देखो कि चिदविलास में तो ऐसा लिया है कि जैसे जैसे गुण का पर्याय का स्पष्ट कथन आता है, जैसे जैसे गुण का और पर्याय का स्पष्ट कथन आता है, चिदविलास में ऐसा कहा है। पेज नंबर 301 है, 301 नंबर का पेज पे समयसार सिद्धि में 12वें भाग में है हिंदी में, कि जैसे जैसे गुण का पर्याय का स्पष्ट कथन आता है वैसे वैसे सम्यक दृष्टि को आनंद की तरंग उठती है। है इसमें परिणाम शक्ति का कहा ना, परिणाम शक्ति द्रव्य में है, ये परिणाम शक्ति की व्याख्या चलती है, जो अपनी परिणाम शक्ति चलती है, परिणाम शक्ति द्रव्य में है उसमें वर्णन है। परिणाम शक्ति चिदविलास में ली है दीपचंद जी साहब ने, कल मैंने बोला था कि परिणाम शक्ति का विस्तार उसने बहुत किया है, तो उसमें से ये रेफरेंस निकाला है कि परिणाम शक्ति द्रव्य में है, उसमें वर्णन है विशेषता से शिष्य को। देखो यहाँ से मुख्य बात चालू होती है चिदविलास की, विशेषता से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है, विशेषता से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है, माने एक एक शक्ति को बता के, एक एक शक्ति की महिमा बता के, ऐसी विशेषताएं अपने आत्मा में ध्रुव तत्व में पड़ी है, ऐसा शक्ति संपन्न परमात्मा है, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है, उसकी एक एक शक्तियों की विशेषता हम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि भेद करके ही बताना पड़ता है, शक्तियाँ में भेद नहीं है अंदर, वो तो अक्रम से अंदर पड़ी है। तो ऐसे हम विशेषता से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है जैसे, तब जैसे जैसे शिष्य, जैसे जैसे शिष्य गुरु के प्रतिबोध से, जैसे जैसे शिष्य गुरु के प्रतिबोध से गुण का स्वरूप, देखो यहाँ क्या लिखा है, विशेषता से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है, विशेषता से माने अपने अंदर में जो विशेषता पड़ी है उससे जो प्रतिबोध किया जाता है, तब जैसे जैसे शिष्य गुरु के प्रतिबोध से, ज्ञानी गुरु के प्रतिबोध से, ज्ञानी गुरु की देशना से, प्रतिबोध से गुण का स्वरूप जान जान कर, किसका स्वरूप, गुण का स्वरूप, शक्तियों का स्वरूप, गुण का स्वरूप जान जान कर विशेष भेदी होता जाए,
विशेष भेदी होता जाए, माने कि वो भेद को इतना समझ ले, गुणों को इतना समझ ले कि विशेष भेदी माने कि विशेष विशेष भेद का उसको महिमा आता जाए, शक्तियों का महिमा आता जाए, तो विशेष भेदी होता जाए। वैसे वैसे विशेष विशेष भेदी होता जाए, वैसे वैसे शिष्य को अन्न की तरंग उठती है, शिष्य को आनंद की तरंग उठने लगती है। जैसे विशेष विशेष को समझकर विशेष विशेष भेदी होता जाए, गुणों का स्वरूप भी समझता जाए, तो उसको आनंद की तरंगें उठने लगती है। सम्यक दृष्टि लेना है ना, जिसको आनंद की तरंग उठती है वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा जो गुरु, सम्यक दृष्टि गुरु शिष्य को प्रतिबोध करता है, एक एक शक्ति का वर्णन करता है कि तेरे में तो जीवत्व, चिति, दसी, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, असंकुचित, विकासत्व, अकार्य कारणत्व, परिणमीय परिणामकत्व, त्याग उपादान शून्यत्व, गुरु लघुत्व, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, कर्तृत्व अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, ऐसी ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व तक शक्ति, ऐसी शक्तियाँ, अनंत शक्तियां तेरे में भरी पड़ी है। एक एक का वर्णन जब गुरु करते जाते हैं, एक एक शक्तियों समझाते जाते हैं, तो शिष्य विशेष 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 भेदी होता जाता है, माने कि अभेद की तरफ आगे बढ़ता जाता है। भेद को समझ के, भेद की महिमा करके, भेद का लक्ष्य छोड़ के अभेद की तरफ चला जाता है शिष्य। तो ये भेद की महिमा में अभेद की प्रतीति है, भेद की महिमा में अभेद की प्रतीति है। अभेद की महिमा अभेद 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 नायक नायक करके नहीं हो सकती है। मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं नायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं एक हूँ, वो अभेद की महिमा ऐसे नहीं हो सकती है। अभेद की महिमा उसमें जो अंदर पड़ा है उसकी महिमा से वो अभेद की महिमा आती है। इसलिए यहाँ ये चिद्विलासकार ने, दीपचंद जी ने, पूज्य गुरुदेव श्री कितने उसके माने कि उसकी कितनी दीपचंद जी की महिमा करते हैं कि उसने जितना शक्ति का वर्णन किया है, उसने जो उसने उसमें जो रखा है वो कहीं पे नहीं मिलता है। ऐसा ये उसने ये ये ये, ये बात की। विशेषता से शिष्य को प्रतिबोध किया जाता है, तब वे जैसे जैसे शिष्य गुरु के प्रतिबोध से गुण का स्वरूप जान जान कर विशेष भेदी होता जाए, वैसे वैसे शिष्य को आनंद की तरंग उठती है। और सम्यक दृष्टि लेना है ना, कि सम्यक दृष्टि हो जाता है वो, फिर वो प्रश्न उठाता है श्रोता, देखना प्रश्न उठा श्रोता को है? भेद से तरंग उठे, क्या कहते हैं श्रोता, क्या कहता है गुरुदेव को कहते हैं ये श्रोता पूछता है, उसको विश्वास नहीं आता, उसको ऐसा है कि अभेद से ही तरंगे उठे। गुरुदेव कहते हैं भेद भेदी होता जाता है, भेद को समझता जाता है तो उसको तरंगे आनंद की उठने लगती है। तो कहते कि भेद से तरंग उठे, तो गुरुदेव जवाब देते हैं, देखो ये ज्ञानी पुरुष की देशना की कितनी कीमत है, ये अक्षरस हो गया ने बहुत कीमत हो गई ज्ञानी पुरुष की देशना की। अक्षरस के पहले ज्ञानी पुरुष की देशना की कीमत तो थी, मगर अक्षरस प्रवचन होने के बाद में इतनी कीमत बढ़ गई, इतनी कीमत बढ़ गई कि ज्ञानी सचमुच पहचानने में आ गए कि ओ हो ज्ञानी को ये कहना है। देखो गुरुदेव ने कहा, श्रोता ने पूछा भेद से तरंग उठे, गुरुदेव कहते हैं तरंग उठती है, क्या कहते हैं तरंग उठती है, शक्तियां उछलती है, तरंगे उठती है, तो तरंग उठती है वह भेद से अभेद बतलाना है। ये गुरुदेव है, क्या कहते हैं गुरुदेव, वह भेद से भेद नहीं बतलाना, भेद से अभेद बतलाना है, भेद से अभेद बतलाना है। समयसार परमागम में छठवीं गाथा में पर्याय भेद का निषेध किया, आठवीं गाथा में गुण भेद का निषेध किया, वो भी सचमुच में पर्याय का ही निषेध है। तो आठवीं गाथा में एक बहुत अच्छी बात आई, आठवीं गाथा में एक बहुत मार्मिक प्रकरण आया समयसार आठवीं गाथा में, वो म्लेच्छ वाली गाथा है ना, भाषा अनार्य को समझा सकते हैं नहीं, वो गाथा आई है ना, कि उसमें ऐसा आया कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जो हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा, क्या लिखा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जो हमेशा प्राप्त होवे
वो आत्मा हमेशा प्राप्त हो, दर्शन ज्ञान चारित्र से प्राप्त हो ऐसा नहीं दिखा। जो दर्शन ज्ञान चारित्र को माने कि गुणों को हमेशा प्राप्त प्राप्ति जिसको होवे उसी को हमने आत्मा बताया है। तो वहां गुण भेद करके गुणी में ले गया है वहां आचार्य भगवान। यहां भी यही कहते हैं कि भेद से अभेद में ले जाने के लिए भेद कहने में आता है, भेद से अभेद बतलाना है, भेद में भेद नहीं बतलाना, भेद में अभेद बतलाना है। इसलिए ये भेद की चर्चा नहीं है। चर्चा भेद की होने पर भी, समझना भेद से होने पर भी, वो एक एक शक्तियों की महिमा में अभेद छिपा हुआ है गर्भित रूप से। ऐसी ये महिमा शक्तियों की ये महिमा है। फिर उसमें आगे तो बहुत है, परिणामन शक्ति द्रव्य में से उठती है, गुण में से नहीं उठती है। अगर गुण में से उठे तो एक ही गुण द्रव्य हो जाए। ये सब चर्चाएं तो इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आती ही रहती है, बहुत सी चर्चा आती रहती है। अभी कल एक विषय लिया था, उसको भी मैं थोड़ा आपको एक बार बता देता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री के आधार से। देखो, ये अपने को जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन शक्ति पूरी करने की कोई अपने को जल्दी नहीं है। दूसरी बार भी अपने स्वाध्याय चलेगा तो शक्ति चलाएंगे अपन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन शक्ति चलाएंगे। फिर भी देखो 276 नंबर का एक पेज है, 276 नंबर का पेज है, 276 नंबर का पेज में एकदम नीचे है, चार लाइन है नीचे, चार लाइन 276 में। देखो यहाँ गुरुदेव एक बहुत अच्छी स्पष्टता करते हैं। ये क्रमबद्ध की चर्चा चलती है ना, क्रमबद्ध में क्या होता है, क्रमबद्ध क्या है, क्रमबद्ध कैसा होता है, क्रमबद्ध का स्वरूप क्या है, और क्रमबद्ध कैसे माना जाता है। देखो यहाँ स्पष्टता करते हैं, 276 नंबर का पेज में नीचे की चार लाइन है। यह तो सर्वज्ञ स्वभाव का समुद्र भरा है। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ स्वभाव का, यह तो समुद्र भरा है सर्वज्ञ स्वभाव का। ये समुद्र, ये अनंत गुणात्मक शक्तिवान परमात्मा, ये लक्ष्मी का भंडार परमात्मा, ये गुणों से और शक्तियों से भरा पड़ा परमात्मा। गुणों और शक्तियों में भी एक थोड़ा फर्क भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। गुणों और शक्तियों में, गुण और शक्तियाँ वैसे एक ही है, गुण कहो शक्ति कहो स्वभाव कहो वैसे एक ही है, मगर कोई जगह गुरुदेव ने भी कुछ ऐसी शब्दों से ऐसी बात भी बताने का प्रयास किया था, तो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये पहले पढ़ के, यह तो सर्वज्ञ स्वभाव का समुद्र भरा है। क्या भरा है? सर्वज्ञ स्वभाव का समुद्र भरा है। ओहो हो हो, सर्वज्ञ स्वभाव है मेरा, सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति भरी पड़ी है, मेरा सर्वज्ञत्व स्वभाव है। सर्वज्ञत्व माने कि आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सर्वगुणों का ज्ञ स्वभाव, सर्वगुणों का ज्ञानमय स्वभाव, सर्वगुणों में ज्ञान व्यापक है, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव मेरा अंदर में पड़ा है, ऐसा सर्वज्ञत्व स्वभाव है, ऐसा आत्मज्ञानमय सर्वज्ञत्व है, ऐसा सर्वज्ञानमय स्वभाव है मेरा। सर्वज्ञ स्वभाव का समुद्र भरा है। केवल ज्ञान की पर्याय, क्या कहते हैं? केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी तो अनंत पर्याय, ऐसी तो अनंत पर्याय, केवल ज्ञान की एक प्रकट रूप पर्याय, ऐसी तो अनंत पर्याय गुण में पड़ी है। अभी ये गुण में पड़ी है पर्याय, तो ये तो प्रमाण हो गया, प्रमाण का विषय हो गया। तो प्रमाण का विषय नहीं है, ये दृष्टि का विषय बता रहे हैं। प्रमाण में व्यक्त पर्याय आती है, दृष्टि का विषय में अंदर पर्याय होती है, वो आती है। देखो क्या कहते हैं, केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी तो अनंत पर्याय गुण में पड़ी है, अनंत पर्याय गुण में पड़ी है, कि गुणों में तो पर्याय नहीं होती है, तो गुण में पर्याय पड़ी है ऐसा गुरुदेव कहते हैं। ज्ञान गुण में तो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय पड़ी है। क्या कहते हैं? ज्ञान गुण में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय पड़ी है। एक केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में से प्रकट होवे, अनंत 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 होती ही रहे, ज्ञान गुण में कुछ कमी न होवे, पर्याय निकलती रहे, ये स्थिर तत्व ऐसा ऐसा रहे, शक्ति शक्ति रूप रहे, व्यक्ति प्रकट होती ही रहे, होती ही रहे, होती ही रहे, केवल ज्ञान निकलता ही रहे सादी अनंत काल तक, ऐसा कहते हैं। ज्ञान गुण में तो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय पड़ी है, पर्याय क्रमशर हुई। क्या कहते हैं? पर्याय क्रमशर हुई, क्रमशर होती है पर्याय, वह तो एक समय की अवस्था है। क्रमशर पर्याय हुई, वह तो एक समय की अवस्था है, वह तो पर्याय है,
वो तो एक समय की अवस्था है, वो तो उत्पाद वाली है, वो तो माने की परिणमन रूप है, वो तो एक समयवर्ती पर्याय प्रकट होती है, वो तो एक समय वाली है पर्याय क्रमशर हुई, वो क्रमवर्ती पर्यायों का समुदाय और अक्रमवर्ती गुणों का समुदाय उसको आत्मा बोलते हैं ना, वो पर्यायों का परिणमन वाला शक्तिमय आत्मा बता रहे हैं। यहां ये दृष्टि का विषय सिद्ध कर रहे हैं। देखो ये दोनों चर्चाएं ये शक्तियों के प्रकरण में आती रहती है। विभाग तो अपन ज्ञान से विभाग कर सकते हैं उसको कि यहां दृष्टि का विषय बताना है, यहां अभेद परिणमन बताना है। ये जब तक ख्याल में नहीं आता तब दृष्टि का विषय के ऊपर दृष्टि नहीं जाती जीव की और अभेद परिणमन नहीं होता, और ज्ञान की शक्तियों की महिमा नहीं आती तो भेद को समझ के, महिमा वाले भेद को समझ के अभेद की तरफ जीव नहीं जाता। पर्याय क्रमशर हुई वह तो एक समय की अवस्था है, केवल ज्ञान भी एक समय की अवस्था है, केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की अवस्था है, दूसरे समय दूसरी पर्याय ऐसी सही, परंतु वह नहीं दूसरे समय दूसरी पर्याय, एक समय में एक पर्याय, दूसरे समय दूसरी, तीसरे समय तीसरी, चौथे समय चौथी, एक समय में एक पर्याय एक गुण की होती है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति आई ना, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति में जो उत्पाद अंदर से निकलता है वो उत्पाद को यहाँ शक्तिमय कहते हैं, और जो दूसरे समय में व्यय होके वो उत्पाद पारिणामिक भाव में चला जाता है उसको यहाँ शक्ति कहते हैं, और जो ध्रुव का अवलंबन वो पर्याय लेती है उसको यहाँ सम्यक की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय कहते हैं, वो व्यक्त पर्याय है, और वो दोनों अंदर में गर्भित रूप से पड़ी है, ये कहते हैं यहाँ पे कि दूसरे समय दूसरी पर्याय ऐसी सही परंतु वह नहीं, ऐसी ऐसी सादी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत अर्थात कहीं अंत नहीं, अनंत अर्थात कहीं अंत नहीं, ऐसी पर्याय का समुदाय वह ज्ञान गुण है, ऐसी पर्याय का समुदाय वह ज्ञान गुण है। खाली एक ज्ञान गुण की चर्चा नहीं कर रहे इसलिए दूसरे गुण में भी उतार रहे, देखो अभी, और ऐसे श्रद्धा गुण की अनंत पर्याय, ज्ञान गुण की अनंत पर्याय कही, ऐसे श्रद्धा गुण की अनंत पर्याय, फिर कहते हैं चारित्र गुण की अनंत पर्याय, चारित्र गुण की भी अनंत पर्याय अंदर में पड़ी है, श्रद्धा गुण की अनंत पर्याय श्रद्धा गुण में पड़ी है, ज्ञान गुण की अनंत पर्याय ज्ञान गुण में पड़ी है, आनंद की अनंत पर्याय, आनंद की भी अनंत पर्याय, उन अनंत पर्याय का पिंड वह आनंद, अनंत पर्याय का पिंड वह आनंद गुण, अनंत पर्याय का पिंड, अपने बहुत बार बोला कि वो पर्याय अंदर में नहीं है, पर्याय का सत्व अंदर पारिणामिक भाव रूप से पड़ा है, मगर वो सब अंदर में ही है, कुछ बाहर से कुछ नहीं है, यहां से ही सब प्रवाह निकलता रहता है और यहाँ ही प्रवाह सब चला जाता है, व्यक्त रूप प्रवाह यहाँ से और व्यक्त होके फिर अंदर पारिणामिक में जाना भी वो प्रवाह यहाँ से होता है, बाहर में कुछ नहीं है, कोई पर्यायों का प्रवाह कहीं से नहीं आता, सभी पर्यायों का प्रवाह अंदर में से आता है, गुण में से आता है, कोई दूसरा पारिणामिक भाव नहीं है कि जहाँ से पर्याय आती हो। ये सब क्या है, बहुत समझने लायक चीज़ें हैं, नहीं तो ये मिथ्यात्व नहीं जाएगा अपना, अपन सब चीज को बराबर समझना चाहिए, एक ही बात को पकड़ लेवे और दूसरा सब को एक बाजू रख दे तो ये पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं इसमें कि हड़दरना गांठिये गांधी नो थवाय, गुजराती में कहवत है, एक हड़दर नो कटको लिए अने एम के हूँ तो मोटो करियाणा नो वेपारी छू, एम बे पांच दस पंदर वीस पच्चीस शब्द केवा बोल याद रही जाए अने एने एम थाय के हूँ तो सम्यक दृष्टि थई गयो छू, मने बड़ी खबर पड़ी गई छे, तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, और ऐसे कोई थोड़ा बोल याद रख ले उससे कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ये सब गहनता का मार्ग है, ये सब समझना पड़ता है अच्छी तरह से। फिर कहते हैं कि आनंद की अनंत पर्याय, उन अनंत पर्याय का पिंड वह आनंद, श्रद्धा और वीर्य है, उन अनंत गुणों का पिंड वह द्रव्य है, देखो एक ही एक एक पर्याय में अनंत, एक एक गुण में अनंत पर्याय है और अनंत गुण का पिंड वह द्रव्य है। यहां गुरुदेव को यह सिद्ध करना है, ये क्यों सिद्ध कर रहे हैं, सभी पर्याय क्रमबद्ध है, कोई पर्याय क्रमबद्ध के बिना नहीं होती, क्योंकि अंदर में पड़ी है, कितना भी सामने कोई निमित्त आ जाए तो अंदर में जो क्रम है ना वही पर्याय आने वाली है, वो पर्याय आएगी
तब वहाँ जो बाहर होगा उसको निमित्त कहने में आएगा। बस इतना ही मार्ग मामला है इसमें, क्योंकि सब अंदर में पड़ा है। इसलिए आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं कि तू अंदर का स्वरूप समझ ले, तू अंदर की महिमा कर, तेरे अंदर में जो पड़ा है उनको तू झांकने का प्रयत्न कर। जब तक तू उनकी तरफ नहीं जाएगा, जब तक तेरे को स्वभाव की गुणों की भी महिमा नहीं आएगी, जब तक तू एक एक गुण की स्वरूप समझ के एक एक गुण में अनंती पर्याय प्रकट होने वाली और प्रकट हो गई वो पारिणामिक भाव योग्यता रूप है, प्रकट होने वाली शक्ति रूप योग्यता पड़ी है और वर्तमान पर्याय प्रकट होके उसका निर्णय करती है, ऐसा स्वभाव तुझे पता नहीं चलेगा, तब तक पर्यायों को फिराने का पुरुषार्थ तेरा चलेगा। और जब ये पता चल गया ओ हो एक एक गुण में अनंता सामर्थ पड़ा है पर्यायों का भी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मुझे मात्र ये जान लेना है, इतना ही मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य है ही नहीं कुछ, ऐसा ख्याल में आ जाता है तो माने कि अंदर से ही भाव भाषण होके पर्याय निकलने लगती है। उसी का नाम सम्यक दर्शन, नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और वो क्रमवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती गुण का समूह वो उसको यहाँ आत्मद्रव्य बोलने में आया है। ऐसा ये प्रकरण अभी ये उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति का अपन ने कल ले लिया कि उत्पाद और ध्रुव, ध्रुव तो ध्रुव है त्रिकाल, और उत्पाद जो कहा गया वर्तमान उत्पाद को अपन देखे तो वो एक समय की वर्तमान पर्याय का है और उसमें व्यय की दूसरे समय की पर्याय हो जाती है। और उत्पाद व्यय ध्रुवत्व तो अंदर में पड़ा है स्वरूप कि जहाँ से पर्याय का उत्पाद होता है उसमें वहाँ उसको उत्पाद और उसको व्यय और उसको ध्रुव कहा गया है कि जहाँ से उत्पाद हुआ वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति अंदर में पड़ी है तो वहाँ से उत्पाद होता है। तो ये समय भेद है वहाँ उत्पाद और व्यय का, उत्पाद होने के बाद में दूसरे समय व्यय होता है तो वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, और जो वहाँ द्रव्य व्यय उत्पाद शक्ति परिणाम शक्ति आई उसमें द्रव्य तो अपना त्रिकाली द्रव्य और व्यय पूर्वक उत्पाद होता है, तो जो समय में उत्पाद होता है वही समय में पूर्व पर्याय का व्यय है तो वो एक समय की बात है। और उत्पाद और व्यय में दो समय हो जाते हैं, कहीं ऐसे भी लेवे उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति में कि जो समय में उत्पाद होता है वही समय पूर्व पर्याय का नाश है, तो वो द्रव्य व्यय उत्पाद शक्ति का परिणमन बता रहे हैं, वो परिणाम शक्ति का परिणमन बता रहे हैं। परिणाम शक्ति में सदृश और विसदृश दोनों भाव दिए हैं। देखो यहाँ सदृश और विसदृश ये आया है ना, ये अपन परिणाम शक्ति थोड़ा खोलते हैं। आज तो अपने को थोड़ा 5-10 मिनट हो जाए, ज़्यादा तो भी अपने को शक्तियाँ 23 तक पहुँचने का विचार है, अपन देखते हैं कितने तक चलता है। ये देखो ये 18 नंबर की शक्ति तो अपनी चली, अपन ने देख लिया क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, क्रम प्रवृत्ति और अक्रम प्रवृत्ति उसका वर्तन जिसका लक्षण, लक्षण माने अंदर में पड़ा है लक्षण, वो लक्षण क्या है कि वो गुण को लक्षण कहते हैं और गुणों में से उत्पाद होता है, गुणों में व्यय होता है, तो वहाँ क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति स्वरूप, अक्रम माने गुण, क्रम माने कि पर्याय, तो पर्याय गुणों में से निकलती है और पर्याय गुणों में समा जाती है तो वो उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति कही जाती है। और शक्ति की व्यक्तियां में एक समय की पर्याय व्यक्त होती है, दूसरे समय वो पर्याय व्यय हो जाती है और अवलंबन उसका ध्रुव का होता है तो वो शक्ति की व्यक्ति बोली जाती है। तो ये यहाँ क्रम प्रवृत्ति रूप अवक्रम प्रवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, वर्तन माने वर्तना माने लक्षण, वो लक्षण जिसका है किसका, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व का, वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व का क्रम प्रवृत्ति और अक्रम प्रवृत्ति रूप वर्तन, वर्तना अंदर में जिसका लक्षण है वो गुण रूप लक्षण है, वो गुण रूप लक्षण में से उत्पाद होता है और व्यय वहाँ होता है तो उसको यहाँ अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, क्रम वर्ती रूप पर्याय उत्पाद व्यय रूप है और अक्रमवर्ती रूप गुण ध्रुव स्वरूप है। ये द्रव्य गुण और पर्याय की प्रधानता से ये कथन करने में आया है, काउंस करके किया है वो कि क्रमवर्ती रूप वो पर्याय है, वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय लेते हैं और उत्पाद व्यय रूप है और अक्रमवर्ती रूप गुण है वो ध्रुव स्वरूप है, मगर वो क्रमवर्ती रूप पर्याय होती कहाँ से है तो क्या उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति में से होती है। तो शक्ति जब अपन कहे तो अंदर में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व समझना और व्यक्ति की बात चले तो उत्पाद व्यय बाहर है और ध्रुव अंदर है, इस तरीके से विचार करना। ये शक्तियों के
शक्तियों समझने के लिए सबसे पहले शक्तियां ध्रुव है वो समझना, बाद में वो शक्तियों का परिणाम क्या होता है वो समझना, तब ये शक्तियां ख्याल में आएगी। क्योंकि शक्तियां और शक्तिवान को दृष्टि में लिए बिना, शक्तियों का ज्ञान करके शक्तिवान को दृष्टि में लिए बिना शक्तियों का व्यक्त रूप शुद्ध परिणाम नहीं होता है। इसलिए यहाँ इस तरीके से अपने को विचार करना चाहिए। फिर कहते हैं कि द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित, द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित, वो कल मैंने बता दिया था पूरा कि द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित परिणाम शक्ति करती है, पर्याय द्रव्यों को आलिंगन करती है, ऐसा नहीं, ऐसा गुरुदेव का बोल, ये परिणाम शक्ति में से ही कल अपन ने देख लिया था, बहुत अच्छी तरह से वहाँ गुरुदेव ने समझाया था। तो कहते हैं कि द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित माने कि स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्व मात्र में परिणाम शक्ति, सदृश और विसदृश जिसका रूप है, सदृश माने त्रिकालता को सदृश बोलते हैं और विसदृश माने कि जो त्रिकालता नहीं है और सदृशता से कुछ विरुद्धता वाला है उसको विसदृश बोलते हैं। मगर सदृश और विसदृश दोनों अस्तित्वमय है, दोनों भाव रूप है। वो विसदृश क्या और सदृश क्या, तो अपन ने लिया था कि वो व्यय और उत्पाद, द्रव्य व्यय उत्पाद रूप, तो द्रव्य व्यय उत्पाद वो अपना अंदर का त्रिकाल स्वरूप है, क्योंकि वहां ही व्यय होता है और व्यय पूर्वक नया उत्पाद हुआ तो उत्पाद भी वहां से निकलता है। इसलिए द्रव्य व्यय उत्पाद स्वरूप जो अपनी स्थिति है उसको यहाँ ये सदृश और विसदृश कहा गया। और सदृश और विसदृश फिर देखो एक शब्द डाला है इसमें, देखो इसमें एकांत परिणाम नहीं ले सकते उसके लिए एक शब्द डाला है, बहुत अच्छा शब्द है, देखना थोड़ा बताता हूँ आपको। ये सब ये कल भी मैंने बोला था कि ज्ञान की चक्षु खोलनी पड़ेगी ये पढ़ने के लिए, या तो आचार्यों के शास्त्र पढ़ने के लिए या तो गुरुदेव का प्रवचन पढ़ने के लिए, ज्ञान की चक्षु खुलेगी ना तो ये सब दिखने लगेगा। अभी क्या है कि ज्ञान की चक्षु तो है, ज्ञान की चक्षु खुली भी है, मगर वो खुली ज्ञान चक्षु से जैसा यहाँ देखना चाहिए वो दिखता नहीं है उसको, इसलिए सम्यक्ता नहीं होती है। चक्षु तो सबके पास है, ज्ञान चक्षु सबके पास, ज्ञान है सबके पास, श्रद्धा है सबके पास, नायक है किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर उसका मर्म समझने के लिए वो ज्ञान को कसरत करानी पड़ती है, ज्ञान में संशोधन करना पड़ता है, ज्ञान में प्रयोग करना पड़ता है, ज्ञान में माने कि ऐसी उपयोग की सूक्ष्मता करनी पड़ती है, तो ये बात समझ में आती है। देखो कहते हैं द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित, ये द्रव्य व्यय और उत्पाद से आलिंगित है, ये द्रव्य के स्वभावभूत, स्वभावभूत माने स्वभाव का होना, भूत माने होना, स्वभावभूत द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित, द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित है। कल गुरुदेव ने बताया था प्रवचन में, मैंने बताया था कि पर्याय द्रव्य का आलिंगन नहीं करती, परिणाम शक्ति आलिंगित है, ये बात है यहाँ। द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित माने कि स्पर्शित, स्पर्शित तो उसमें कुछ नहीं आता, ये काउंस किया है वो ठीक है, आलिंगित सदृश और विसदृश जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्व मात्रमय, देखो क्या कहते हैं, अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति है। उसका अस्तित्व क्या है कि उसका अस्तित्व द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित है, वो आलिंगित है, वो सदृश और विसदृश, सदृश माने उसकी कायमीपना है और विसदृश माने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद होता है वो अंदर से जो एक के बाद एक निकलता है ना वो विसदृश है, वो अनेकता, अनेकता सिद्ध करने के लिए विसदृश कहा जाता है। माने कि सदृश वो त्रिकालता और विसदृश माने उसकी विरुद्धता, तो उसकी विरुद्धता माने उसमें जो एक व्यय रूप भाव है और एक उत्पाद रूप भाव है, वो व्यय रूप भाव व्यय पूर्वक उत्पाद हुआ है परिणमन में, तो व्यय पूर्वक उत्पाद परिणमन में हुआ है तो अंदर में व्यय रूप भाव अंदर में पड़ा है योग्यता रूप, और यहाँ वहाँ अंदर से ही उत्पाद रूप भाव प्रति समय निकलता है, ऐसी द्रव्य व्यय उत्पादमय माने कि ये परिणाम शक्ति अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति कही जाती है। फिर उसका परिणमन देखे तो परिणमन में सदृशता और विसदृशता क्या है, तो कि सदृशता माने ध्रुव त्रिकाल है
और परिणमन में विसदृशता माने, विसदृशता माने दो भाव उसमें गर्भित है, विसदृशता परिणमन में। एक माने व्यय रूप भाव है और एक प्रकट रूप भाव है। तो एक जो भाव है वो प्रकट रूप भाव बताया है और एक वही पर्याय में व्यय रूप भाव छिपा हुआ है। पर्याय एक है और उसमें व्यय पूर्वक उत्पाद होता है, तो व्यय पूर्वक उत्पाद में वो उत्पाद में ही पूर्व पर्याय का व्यय छिपा हुआ है, उसको व्यय पूर्वक उत्पाद कहा जाता है। और व्यय का अपन विचार करें तो वो परिणाम व्यय होके अंदर ध्रुव में चला गया है, और यहाँ जो पर्याय का उत्पाद होता है वो पर्याय का उत्पाद व्यक्त परिणमन रूप है, उसको यहाँ विसदृश और सदृश कहा गया है। माने कि एक का अभाव है उस समय में और एक का भाव है। अभाव और भाव वो शक्ति आती है ना, अभाव भाव शक्ति। एक का अभाव माने कि व्यय का अभाव और एक का सद्भाव, एक का उत्पाद, एक का अभाव और एक का भाव। व्यय का अभाव, व्यय माने चला गया, और उत्पाद का भाव, ऐसा दोनों का विरुद्धता वाला प्रकरण को भी सदृश कहा जाता है, और सदृश माने ध्रुव कहा जाता है। ये त्रिकाली द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा अपन ने ली, और एक ध्रुव की अपेक्षा द्रव्य व्यय उत्पाद में अपन ने पारिणामिक भाव में से सिद्ध की, अस्तित्व मात्र में। ये परिणाम शक्ति का परिणमन है, परिणाम शक्ति की क्रिया है, परिणाम शक्ति का स्वभाव है। ये अपने स्वभावभूत लिखा है, इसमें होने रूप द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित ऐसा लिखा है। स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसी एक अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति। ये अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति उसकी उसकी महिमा आवे कि द्रव्य व्यय और उत्पाद ये सब अंदर से ही है, बाहर में कुछ नहीं है। इसलिए मेरी पर्याय भी सब अंदर में सत्व रूप पड़ी है, वहाँ ही व्यय है, वहाँ से ही उत्पाद है और वहाँ ही ध्रुव पड़ा है। ऐसा गुण और गुणी का अभेदपना वो दृष्टि का विषय है, उसमें पर्याय नहीं है। पर्याय प्रकट होने का सामर्थ्य है, मगर वो सामर्थ्य गुण कहा जाता है, और गुण और गुणी वो अभेद रहते हैं, इसलिए उसको दृष्टि का विषय कहा जाता है। आखिरी में गुण को अलग क्यों बताते हैं? गुण है क्या? गुण क्या है तो उसको अलग बताते हैं? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, विभु गुण, प्रभुत्व गुण, अलग अलग गुण क्यों बताते हैं? कि वो एक एक गुण में अनादि अनंत पर्यायों का सामर्थ्य अंदर सत्व रूप पड़ा है, इसलिए गुण की डेफिनेशन अलग बताते हैं। नहीं तो फिर द्रव्य ही कह देते ना उसको, गुण को अलग बताने की क्या जरूरत थी? द्रव्य ही कह देते उसको। गुण कह के एक एक गुण की एक एक सामर्थ्य में अनंती पर्याय पड़ी हुई है, व्यक्त रूप नहीं, उत्पाद रूप नहीं, क्रिया रूप नहीं, सत्व रूप, पारिणामिक भाव रूप, ध्रुव रूप, गुण रूप पड़ी है, ऐसा बताना है। इसलिए गुण की चर्चा बारंबार आती है और पर्याय की चर्चा प्रकट व्यक्त है, वो प्रकट व्यक्त पर्याय गुण और गुणी का निर्णय करती है, इसलिए प्रकट व्यक्त पर्याय की भी चर्चा आती है। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपना भगवान आत्मा क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों का समूह, वो परिणमन की अपेक्षा और क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुणों का समूह, ऐसा अंदर में भी एक त्रिकाल स्वभाव की स्थिति एक ऐसी ही होती है कि वहाँ से ही क्रमवर्ती पर्याय निकलती है, तो वो गुण है, और गुण और गुणी को भगवान आत्मा दृष्टि का विषय कहा जाता है। ऐसा ये 19 नंबर की शक्ति आई। 19 नंबर की शक्ति है ना, वैसे बहुत माने कि गहरी है, बहुत अच्छी भी है, और ये क्रम ऊपर भी 18वीं भी आई ना, उसमें भी क्रम और अक्रम की चर्चा आई ना, वो क्रम अक्रम 38वीं गाथा समयसार की है, उसमें भी लिया हुआ है। यहाँ क्रम अक्रम दूसरे में भी क्रम अक्रम, क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप आया ना, ये इसमें 18वीं शक्ति में वो क्रम अक्रम, ऐसा क्रम अक्रम वहाँ भी लिया है 38 गाथा समयसार 38 गाथा कि क्रम और अक्रम पर्याय, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती वहाँ भी लिया है। वहाँ क्रम और अक्रम की बात अलग है, वहाँ क्रम माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गति होती है, मनुष्य देव तिर्यंच नारक एक के बाद एक गति होती है, उसको क्रम बोला जाता है,
और वहां अक्रम कहा है, वो भी पर्याय में उतारा है अक्रम, कि एक साथ में जोग है, लेसिया है, कसाई है, वो एक साथ में होता है। योग का कंपन होता है, लेसिया छह है, उसमें तीन तीन लेसिया शुभ और अशुभ का प्रकरण होता है, और माने कि कसायों का अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वरण कसाय, तो कोई भी कसाय क्रोधमान माया लोभ का प्रत्येक समय में होता है, और माने कि वहाँ जोग माने कि योग का कंपन होता है, और वहाँ लेसियाएँ होती है, वो जोग लेसिया और कसाय वो एक समय में होता है, उसको अक्रम बोला है, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक के बाद एक गति होती है, उसको क्रम बोला है। ऐसा क्रम और अक्रम का समुदाय ऐसा वहाँ 38वीं गाथा समयसार परमागम में लिया है, जहाँ दृष्टि का विषय बताया है कि हूँ एक सुध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मई खरे, वहाँ वो बताया है, और यहाँ क्रम अक्रम की व्याख्या अलग है, वहाँ क्रम अक्रम की व्याख्या अलग है। सब एक, कहीं भी क्रम अक्रम आए तो एक ही व्याख्या नहीं होती है, प्रकरण अनुसार, गाथा अनुसार, अधिकार अनुसार व्याख्याएं होती है। ये ज्ञानी पुरुष अपन को बता सकते हैं, ज्ञानी होते हैं ना ये सब स्पष्टीकरण करते हैं, अज्ञानी तो कह देता है सब एक ही है, उसमें कुछ इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अपने को कुछ उसमें इतना गहराई में नहीं जाना, उसमें भेद हो जाएगा ना, विकल्प हो जाएगा, अज्ञान का परिणाम ही ऐसा होता है। और ज्ञानी सब स्पष्ट करते हैं, गुरुदेव जैसे ज्ञानी मिले सब स्पष्टीकरण करते हैं, ये सब गुरुदेव का ही मैं आपको कह रहा हूँ। आप ये शक्तियों का प्रवचन सुनेंगे ना तो सब इसमें से ये निकलेगा है? तो ये 19 शक्ति हो गई, अभी 20 नंबर की शक्ति है, 20 नंबर की शक्ति ये बहुत मार्मिक शक्ति है, अमूर्तत्व शक्ति। कर्मबंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्शादि शून्य, कर्मबंध के अभाव से लिखा है, देखना आप थोड़ा। फिर कर्म के अभाव से वो 23वीं शक्ति आएगी, निष्क्रियत्व शक्ति, ये कर्म बंध के अभाव से आई है। कर्म बंध चतुर्थ गुण स्थान में दृष्टि अपेक्षा से बंध हो जाता है, इसलिए यहां कर्म बंध के अभाव से लिखा है। कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्शादि शून्य, माने कि स्पर्शादि शून्य माने पुद्गल के जो गुण है उसको स्पर्शादि, स्पर्श रस गंध और वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल के गुण है, और शब्द कहा जाए कहीं पे तो वो पुद्गल की पर्याय है। स्पर्श रस गंध वर्ण यहाँ लिखा है वो पुद्गल के गुण बता रहे हैं, और कहीं जैसे 49 गाथा आप पढ़ो तो उस पे शब्द का भी बात आवे तो वो शब्द है वो पुद्गल की पर्याय कही जाती है, और स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल के गुण कहे जाते हैं। तो यहाँ कहते कर्मबंध के अभाव से व्यक्त किए गए, कर्मबंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज, सहज कर्मबंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज, सहज में होता है ये सब। सहज स्पर्शादि शून्य माने कि स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का स्पर्शादि शून्य ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप, आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति का मतलब ही ये है कि उसमें कोई मूर्तपणा का कुछ काम नहीं है, मूर्त पुद्गल को बोला जाता है, अमूर्त माने कि जीव को बोला जाता है। तो ये जीव की क्या, जीव का क्या स्वरूप है कि कर्मबंध के अभाव स्वरूप रहता है वो, कर्मबंध से अभाव से, कर्मबंध के अभाव से, अभी कर्मबंध के अभाव से व्यक्त वो पर्यायों की चर्चा है, और कर्मबंध के अभाव से वो खुद अपने अमूर्तत्व रूप अंदर में स्वरूपस्थ रहता है, कि जहां कर्मबंध होता ही नहीं है, जहां कर्मबंध है ही नहीं, जहां कर्मबंध नहीं है इसलिए कर्म का नाश करना नहीं है, ऐसी एक अमूर्तत्व शक्ति है कि जिसमें मूर्तपणा है ही नहीं, मूर्त को हटाना, मूर्त को दूर करना, स्पर्श रस गंध वर्ण वैसे कोई भी प्रकार के पुद्गल के भाव स्पर्शादि शून्य, कोई भी स्पर्शादि से शून्य पना ही है अंदर में, उसका नाम अमूर्तत्व है। देखो क्या कहते हैं, कर्मबंध के अभाव से, कर्मबंध का अभाव है अमूर्तत्व शक्ति में, कर्मबंध हुआ ही नहीं वहां, वो कर्मबंध का अभाव है, मगर उसके अभाव से क्या होता है कि व्यक्त किए गए, व्यक्त माने पर्याय की चर्चा आ गई, अभी व्यक्त किए गए वो पर्याय में उतारना, और कर्मबंध का अभाव है ऐसे आत्म प्रदेश रूप अमूर्तत्व शक्ति है। कर्मबंध का जहां कभी सद्भाव ही नहीं होता, कोई समय में कर्मबंध का सद्भाव जहां नहीं होता, ऐसी आत्म प्रदेश स्वरूप, आत्मा के प्रदेशों में कोई कर्मबंध होता है? कोई नहीं होता आत्मा के प्रदेशों में कर्मबंध,
क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो असंख्य होते हैं, चेतनामय होते हैं, अनंत गुणमय होते हैं। वो प्रदेशों में कहाँ से कोई माने कि स्पर्शादि वाले कोई प्रकरण आ जाएंगे और उससे कुछ उसको दूर करना, उससे कोई अभाव करना, ऐसा कहीं नहीं होगा। वो पर्याय की अपेक्षा, मगर शक्ति में क्या है तो कि कर्म बंध के अभाव स्वरूप आत्म प्रदेश में ऐसी अमूर्तत्व शक्ति अंदर में पड़ी है। कर्म बंध के अभाव स्वरूप है वो अमूर्तत्व शक्ति आत्म प्रदेश में। आत्म प्रदेश में कर्म बंध का सद्भाव की अभाव की कोई प्रक्रिया नहीं की होती। अमूर्तपणा में कोई प्रक्रिया आत्म प्रदेश स्पर्शान कोई भी विभाव की कर्म बंध की दूर करने की प्रक्रिया नहीं चलती। वो आत्म प्रदेश तो अमूर्त रूप से अपनी कर्म बंध के कोई सद्भाव अभाव वाला होता ही नहीं। आत्म प्रदेश ही कर्म बंध के अभाव स्वरूप ही वो आत्म प्रदेश अमूर्त होते हैं, ऐसा शक्ति बतानी है। ऐसी पहले ये शक्ति बता के फिर क्या करते हैं कि फिर उसकी व्यक्ति बताते हैं। व्यक्ति में क्या बताते हैं कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त होने वाला, व्यक्त होता है उसमें क्या होता है, चतुर्थ गुण स्थान से ये परिणमन चालू हो जाता है कर्म बंध के अभाव का। चतुर्थ गुण स्थान से स्वभाव में तो कर्म का बंध है ही नहीं, इसलिए अभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कर्म का बंध के अभाव स्वभाव स्वरूप आत्म प्रदेश में अमूर्तत्व शक्ति है। वो शक्ति और शक्तिवान की दृष्टि जो करता है उसको चतुर्थ गुण स्थान से कर्म बंध का अभाव शुरू होता है। वो कर्म बंध का अभाव में चतुर्थ गुण स्थान से दृष्टि अपेक्षा से कर्म बंध का अभाव होता है। राग अपेक्षा से चारित्र अपेक्षा से कर्म बंध चारित्र का होता है, वो गौणपणे होता है, उसको ज्ञानी ज्ञान का पर्ग नहीं जानता है, वो अपने में कभी होता नहीं। दृष्टि की अपेक्षा से कर्मबंध का अभाव हुआ तो चतुर्थ गुण स्थान में क्या होता है मालूम है? चतुर्थ गुण स्थान में अनंत गुणों की एक देश सुत्ता सर्वगुणा से सम्यकत्व से प्रकट हो जाती है। अनंत गुणों की उसमें अनंत गुणों में घाती कर्म के गुण तो माने कि केवल ज्ञान होता है तब चार घाती कर्म का अभाव रूप चार गुण प्रकट होते हैं, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, वो तो उसका अंश तो आ ही जाता है, वो तो आ ही जाता है। मगर चार जो सिद्ध के गुण है, जो सिद्ध दशा होने पर प्रकट होते हैं, चार घाती कर्म का नाश पूर्वक सूक्ष्मत्व अव्याबाध अगुर लघु और अवगाहन, वो चार गुण है उसका भी एक अंश योग का भी एक अंश, सभी गुणों का एक अंश सर्वगुणांस्ते सम्यकत्व ज्ञान आदि की एक देश सुत्ता चतुर्थ गुण स्थान में जब ये आत्म प्रदेश में अमूर्तत्व शक्ति है वो कर्म बंध से रहित ही है, ऐसा स्वभाव ख्याल में आ जाता है महिमा पूर्वक, तो वहां वो परिणमन में भी एक अंश ऐसा प्रकट हो जाता है कि सिद्ध का एक अंश प्रकट हो जाता है। सिद्ध का अंश चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है, वो ऐसी अमूर्तत्व शक्ति है, एक अंश प्रकट हो जाता है। ये अमूर्तत्व शक्ति और निष्क्रियत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति में यहाँ तो कर्म बंध का अभाव लिखा है, वहाँ कर्म का अभाव लिख दिया है, यहाँ बंध का अभाव वहाँ कर्म का अभाव लिखा है। ये इसी शक्ति है ना, ये दोनों मैंने कि बहुत ऐसे देखे तो एक एक जैसी शक्तियां हैं, निष्क्रियता शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति। देखो समस्त कर्मों के उपरम से, समस्त कर्मों के उपरम से लिखा है वहां, उपरम से माने निवृत्ति से, अंत से, अभाव से, समस्त कर्म के अभाव से प्रकट होने वाली निष्क्रियता शक्ति वो निष्क्रियत्व शक्ति, और यहां कर्म बंध के अभाव से। तो कर्म बंध चतुर्थ गुण स्थान में दृष्टि अपेक्षा से चला जाता है और निष्क्रियत्व शक्ति की प्रगटता पूर्ण रूप से हो जाती है, तो सभी गुण माने कि कर्म का अभाव ही हो जाता है, वो अपेक्षा वहां है, और यहाँ चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा से कर्मबंध की स्थिति ली है। तो ये यहाँ जो ये शक्ति बता रहे हैं अमूर्तत्व शक्ति, तो अमूर्तत्व शक्ति में कर्मबंध के अभाव से शक्ति परिणमती है। मगर वो उसमें कहना क्या है उसमें कि बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने यहाँ योग, योग जो होता है सकसा योग, केवली को सकसा योग होता है और सिद्ध दशा में अकसाई योग होता है, अकसाई हो जाता है, कसाई चलता नहीं वहां पे,
केवली को अभी योग का कंपन है, प्रदेशों का कंपन, परिस्पंदन, परिस्पंदन माने कंपन, प्रदेशों का वो कंपन चलता रहता है, माने कि देह की निमित रूप से हयाती है वहां अर्यंत भगवान को, इसलिए उसकी चलने फिरने की क्रियाएं भी चलती है। तो वो जितनी क्रियाएं चलती रहती है वहां क्रिया के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन चलता रहता है, वो ऐसी निष्कंप दशा, ऐसी निष्कंप दशा, कंपन के समय निष्कंप दशा चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञानी को हो जाती है, उसका नाम निष्क्रियत्व शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति कही जाती है। ऐसा स्वरूप है महिमावंत अपना भगवान आत्मा का, शक्ति और शक्तिवान का, जिसको विश्वास आने लगे कि ओहो इसकी निष्क्रियत्व शक्ति पड़ी है, अमूर्तत्व शक्ति पड़ी है, अकर्तृत्व शक्ति पड़ी है, अभोक्तृत्व शक्ति पड़ी है, निष्क्रियत्व शक्ति पड़ी है और नियत प्रदेशत्व शक्ति पड़ी है, ऐसी शक्तियां पड़ी है मेरे पास। अमूर्तत्व शक्ति कहती है कि कर्मबंध के करने की कर्मबंध होता ही नहीं कभी, ऐसी मेरी आत्म प्रदेश में अमूर्तत्व शक्ति है, ऐसा स्वरूप यहां अमूर्तत्व शक्ति का बता रहे हैं। अमूर्तत्व शक्ति में मूल में तो ये बताना है कि वो तो कर्मबंध के अभाव स्वभाव स्वरूप है अमूर्तत्व शक्ति, आत्म प्रदेश उसके कर्मबंध के अभाव स्वभाव स्वरूप रहते हैं, मगर उसका जब वो अमूर्तत्व शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति का धरने वाला भगवान आत्मा का ख्याल आता है तो उसका परिणमन हो जाता है, तो चतुर्थ गुण स्थान में परिणमन हो जाता है, वो भी अमूर्तत्व शक्ति का अकंप रूप से परिणमन होता है। जो निष्क्रिय शक्ति आई है वो निष्क्रियत्व शक्ति में भी जो ये बात आई है उसकी चर्चा, ये अपना टाइम तो बहुत लंबा हो जाता है। निष्क्रियत्व शक्ति आत्मा में है, देखो यहाँ निष्क्रियत्व शक्ति थोड़ा पढ़ लेता हूँ फिर पूरा करते हैं। समस्त कर्मों के उपरम से प्रवृत्त, समस्त कर्मों के उपरम से प्रवृत्त आत्म प्रदेशों की निष्पंदता स्वरूप, निष्पंदता माने अकंपता, अकंपता माने कोई कंपन नहीं, निष्क्रियत्व शक्ति है वहां कैसा कंपन, वो तो अकंप स्वरूप ही है, वो स्थिर है, कंपन है ही नहीं वहां। जैसा सिद्ध में कंपन नहीं है ऐसा स्वरूप में कंपन नहीं है, सिद्ध में अभाव हो जाता है सब कंप का, क्योंकि अकंपता पूरी प्रकट हो गई तो फिर कौन सा कंपन। ऐसे ये स्वभाव तो सिद्ध स्वरूप ही नहीं, ये स्वभाव जैसे सिद्ध है, सिद्ध जैसा मैं नहीं हूं, मेरा स्वभाव जैसा है ऐसे सिद्ध है अनंत, ऐसा मेरा स्वरूप है, निष्कंप स्वरूप, अकंप स्वरूपी भगवान आत्मा, कोई कंपन है ही नहीं अंदर में। तो कि प्रदेशों का कंपन है, मन वचन का एक, अरे मन वचन काया ही नहीं है अंदर में, कर्मों से उपरम, कर्म में राग भी आ गया भेद रूप से, मन वचन काया भी आ गई, शरीर भी आ गया, आठ कर्म भी आ गए, सब आ गया। ये घाती कर्म है ना, ये 47 शक्तियां क्यों लिखी होगी, 47 ही क्यों लिखी, ये कर्म की चर्चा आई नहीं इसलिए ये छेड़ता हूं बात थोड़ी। कर्म 47 कर्म का अभाव पूर्वक, घाती कर्म का अभाव पूर्वक ये 47 शक्तियों का परिणमन प्रकट होता है, इसलिए 47 शक्ति लिखी है, और 47 शक्तियों का सम्यक परिणमन होता है तब 47 घाती कर्म का अभाव हो जाता है। ज्ञानावरणी के 5 है, दर्शनावरणी के 9 है, मोहनी के 28 है प्रकृति घाती कर्म की, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी 5 और 9 और 28 और अंतराय की 5 प्रकृतियां हैं, 5, 5, 10, 9, 19 और 28 47 प्रकृतियों का व्यय हो जाता है घाती कर्म की, तब ये 47 शक्तियों का परिणमन होके घाती कर्म के अभाव पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो केवल ज्ञान भी माने कि उसमें भी संयोग है, योग का कंपन चलता है, और सिद्ध दशा अकंप दशा है, वो निष्क्रियत्व शक्ति अकंप दशा, कर्मों के उपरम स्वरूप, अभाव स्वरूप, अंत स्वरूप, निवृत्त स्वरूप कर्म के, और वहां कर्म बंध के अभाव स्वरूप लिखा है वो चतुर्थ गुण स्थान वाला। ये तो पूरा परिणमन हुआ है निष्कंपत में, क्योंकि ये निष्कंप है परमात्मा, और वहां आत्म प्रदेशों का अमूर्तत्व है,
मगर वहां कर्म का बंध की अपेक्षा लगाई, क्योंकि व्यक्त परिणमन की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होती है, और यहां कर्म के अभाव की अपेक्षा, माने कि यह निष्कंप दशा की प्रगटता की चर्चा करनी है। ये बहुत सी चर्चाएं हैं शक्तियों में, अपनी एक चर्चा तो रह जाती है, वो कल ले लेंगे अपन, वो चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान में सविकल्प निर्विकल्प वाली चर्चा अपन ने परसों ली थी, वो भी लेनी है। ये इतना बेहतरीन ये प्रकरण है शक्तियों का, कि जैसे जैसे शक्तियों समझते जाओ, जैसे जैसे गुरु शिष्य को प्रतिबोध करते जाए, भेदी होके भेद समझाते जाए, और शिष्य भेदी 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 होके अभेद पर चला जाए, ऐसा स्वरूप सभी भवी जीवों को अल्प समय में प्राप्त हो जाए, ऐसी मंगल भावना। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो शरादृत होटो। नवार नमस्कार। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाणु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेव जय हो।